सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं चैनल मिस्टर कौशल ब्लॉग। तो गाइज यहाँ पे देखिए आप, यदि आपकी एलईडी है, एलजी की एलईडी है, तो उसमें इस तरह प्रॉब्लम आ रहा होगा। मेरे पास ये कल से प्रॉब्लम आया है और जब हम इसके नेटवर्क पे जाते हैं या तो इसको स्क्रीन शेयर करते हैं, देखिए मैंने स्क्रीन शेयर के लिए कास्टिंग किया है, तो ये बिल्कुल भी जो मेरी एलईडी है उसका नाम नहीं दिखा रहा, ठीक है। और जहाँ पर नेटवर्क है वहाँ पर लिखा रहा है वाईफाई इज टर्न ऑफ। आपकी यदि एलईडी में भी ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको सेटिंग से पहले ठीक करके देख सकते हैं और मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पे देखिए वाईफाई डायरेक्ट लिखा आएगा नेटवर्क में, इसको आप ओके कीजिए। यदि यहाँ पे देखिए ऑफ़ है लिखो एक कॉर्नर में, ठीक है। यदि ऑफ लिखा आता है तो आप बीच वाला बटन दबाएं, इसको ऑन करने की कोशिश करें, यहाँ पे यस करें और ओके करें। यदि ये यहाँ से ऑफ का ऑफ रहता है, देखिए दोबारा देखते हैं, यहाँ से यस किया और ओके किया, तो ओके करने पर यदि ये ऑन नहीं हो रहा तो समझ लेना भाई ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। एलईडी के अंदर जो है, आपकी जो एलईडी है उसके अंदर हार्डवेयर प्रॉब्लम आ चुका है। अब मैं आपको इसको पूरी तरह से खोलना भी दिखाऊंगा, कैसे आप इसको जो है खोलेंगे ताकि आपको ये गड़बड़ ना कर दें, एलईडी वगैरह तोड़ ना दें, तो इसलिए मैं आपको पूरी तरह से ये दिखाऊँगा। तो पहले इसको खोलना कैसे है, ये जो ऑडियो वीडियो की तार लगी है उसका एक फ़ोटो ज़रूर उतार लें ताकि आपको गलत कलर वगैरह ना लग जाए और फिर आपका ऑडियो वीडियो ना चले, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कहाँ पे कौन सा जो था सॉकेट लगा है। यहाँ पर 12 mm के नट बोल्ट लगे हैं जिसको मैं खोलने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर दो, आप यहाँ पर चाबी या फिर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके वासल है नीचे और बीचों भी दो वासल लगे हैं, इनको आप इस तरह से खोल लीजिए। आपको यहाँ पर अभी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो बोल्ट लगा है वो ऊपर से नीचे की तरफ डला हुआ है। अब उसको नीचे से थोड़ा हिट कीजिए और ऊपर की तरफ जो है उसको निकाल लीजिए। देखिए मैंने बोल्ट को निकाल दिया है, हिट करके थोड़ा थोड़ा ही हिलाइए। एलईडी को पकड़ के जरूर रखें जिस तरीके से ताकि नीचे ना गिर जाए यदि आपकी दीवार पर लगी है। तो यहाँ पर मैंने इसको बेड पर रखा है फिलहाल, फिर मैंने इसको चारपाई पर रख दिया क्योंकि इस पर धूल बहुत जमी थी, फिर मैंने इसको घर से बाहर निकाल दिया, चारपाई पर रखा। आप इसको चारपाई पर भी रख सकते हैं, खोल सकते हैं, या फिर आप इसको जो है अपना बेड वगैरह पे खोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे आप स्क्रू देख रहे हैं, ये स्क्रू खोलिए, ये स्क्रू सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कभी आप इसको भूल जाएं, ये बीच में लगा हुआ एक स्क्रू बहुत ज़रूरी है, पहले आपको इनको खोल लेना है। अब कितने स्क्रू मैंने खोले मैं आपको दिखाऊँगा। और ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड पर चार स्क्रू यहाँ पर लगे हैं, उन चारों को आपने खोल लेना है और फिर जो है स्टैंड को इस तरह से उतार देना है। ये भी उतारना जरूरी है वरना एलईडी ओपन नहीं होगी। आप इनको गिन सकते हैं, ये 7 स्क्रू मैंने खोले हैं, ठीक है। और जो स्टैंड था उसको खोल दिया है, कहाँ कहाँ से खोले हैं मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं ताकि आप कोई स्क्रू भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बीच से, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो है एलईडी को आपको इस तरह से रोकना है और एक स्क्रू ड्राइवर से फाड़ना है। ये ऐसे फटती जाएगी जैसे कि मोबाइल को खोलते हैं ना, कट कट करती जाएगी, जैसे इसको मैं खोलता जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये कट कट करती चली जाएगी। 3 स्वरों में इसके लॉक लगे हैं, यही लॉक जो कट कट बोलेंगे, ठीक है। जो नीचे की तरफ जहाँ पे स्पीकर लगे हैं वहाँ पे इस तरह का लॉक नहीं है, वहाँ से आप आराम से खोल सकते हैं। लेकिन जो 3 हिस्से हैं, ये जो साइड वाला है, यहाँ से इस तरह से फाड़ें इसको, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो आगे जहाँ पर ये सिल्वर हिस्सा है ये इसका लोहे का है। तो इस तरह से मैं इसको खोल रहा हूँ और जब इसको खोल दें आप तो इस तरह से ये एलईडी जो है आपकी यहाँ से अलग हो जाएगी। थोड़ा जहाँ से भी आपको लगे यहाँ से अभी थोड़ा कोई हिस्सा नहीं खुला है तो उसको स्क्रू ड्राइवर के द्वारा फिर से थोड़ा सा ओपन कर लें और आपकी जो एलईडी है वो इस तरह से खुल जाएगी। देख सकते हैं एलईडी हमने खोल दिया है, कितनी डस्ट इसके अंदर है आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 3 साल में पहली बार खुल रही है। 3 साल में मेरे पास ये प्रॉब्लम जो है फर्स्ट टाइम ही आया है, गर्मी का महीना है, आप देख सकते हैं मैंने कपड़े वगैरह भी कम ही पहने हैं, अंडरवियर में हूँ। तो ये है भाई इसका वाईफाई मॉड्यूल भी बोल देते हैं इसको, और इसको जो है वाईफाई डोंगल भी बोल देते हैं। अब इसको हमें ओपन करना है, यहाँ पे जो है इस पर यहाँ पे लॉक लगे हैं, ठीक है, इसको आपको दोनों साइड से उठाना है। चलिए यहाँ पर आप किसी और की मदद भी ले सकते हैं और इस ये जो यहाँ पर सॉकेट है इसको वहाँ से निकाल लेना है, थोड़ा नीचे फंसी होती है, ठीक है। अब इसको एक साइड से दूसरे व्यक्ति से उठाएँ और इस तरह से जो है दूसरे की मदद से आप इसको खोल सकते हैं। तो हमारा जो ये मॉड्यूल है, ये नंबर देख लीजिए, नंबर मैंने आपको दिखा दिया है। कभी आप ये बोलें कि भाई आपने तो इसमें नया डाल दिया और हमको बेवकूफ़ बना दिया, तो अब आपको करना क्या है, ये जो
अब इसको खोलना कैसे है वो देख लीजिए, कभी आप गड़बड़ कर दें घर पे खोलें और फिर मुझे बोलें। यहाँ से देखिए इसको आप या तो नीचे दबाएं या फिर इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएं, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे दबा के इस तरह से खींच लें। अब यहाँ से देखिए ये हिस्सा जो है ना, इस हिस्से को आप थोड़ा सा ऊपर भी उठा सकते हैं, जैसे मैंने नाखून से उठा के दिखाया, ठीक है। इस तरह से उठा के भी आप इसको निकाल सकते हैं। और ये है भाई इसका मॉड्यूल, वाईफाई मॉड्यूल, इससे वाईफाई भी कनेक्ट होता है और इसका जो स्क्रीन शेयर वगैरह है वो भी इसी से कनेक्ट होता है। इसका नंबर देख लीजिए आप जो मैंने खोला है ये, ताकि आप चीटिंग ना समझे, तो WD-40, ठीक है। ये एक स्प्रे होता है, अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे इस पर, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉब्लम आता है ना वो इसका ही आता है। ये मॉइस्चर वगैरह की वजह से कभी गड़बड़ हो जाता है, जैसे सर्दियों का महीना आता है तब भी, या फिर जब बरसात का महीना होते हैं तब भी। तो इस तरह से इस पर स्प्रे करें, स्प्रे करने के बाद जो है यहाँ पर ब्रश का इस्तेमाल करें, ताकि यहाँ पर जहाँ पर भी कोई कार्बन वगैरह इसमें आ गया हो तो वो क्लीन हो जाए। बस हमने इसको ब्रश मार दिया, उसके बाद दोबारा से इसमें मार के इसको WD-40 को, अब हमको जो है इस पर थोड़ा सा इसको सुखा लेना है। इस पर आप मुख के द्वारा भी हवा वगैरह मार सकते हैं, जिसको हम कहते हैं जैसे फूक मार सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और फूक मारने के बाद जो है आप इसे कपड़े से भी इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। देखिए अब भी ये थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है जैसे गीला है, लेकिन ये जो WD-40 है ये बिल्कुल भी इसको अर्थिंग नहीं होने देगा। अब हमें जो है इसके अंदर इसको वापस से कनेक्ट कर देना है। अब कनेक्ट भी आपको उसको इस तरीके से करना है। दोस्तों यदि आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आप इस चीज़ को घर पे ही कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने घर पे किया तो आप भी कर सकते हैं इस तरह से, जैसे इसको आपने निकाला था। और ये टक देखिए यहाँ पे आवाज़ आएगी और ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब ये लॉक हो गया, अब मैं इसको अभी बंद नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बिना फिटिंग के नहीं चाहता कि ये गड़बड़ हो जाए। मैं इसको पहले टेस्टिंग करूँगा ये कामयाब हुआ या नहीं, तभी ये यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेगा। तो चलिए मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे अभी वाईफाई को भी कनेक्ट करना है और सेरिट को भी देखना है कि वहाँ पर हमारी डिवाइस वगैरह आती है नहीं। तो हमने इसको यहाँ पे लगा दिया है, अब मैं इसको अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो गाइज मैंने जो था उसको क्लीन कर दिया है। क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं इसका नंबर वही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। कभी आप समझें कि ये देखिए, आप अब भी देख सकते हैं ये अब भी गीला है, आप इस पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको लगा के देखता हूँ, क्योंकि अब इसको लगाने से ही पता लगेगा। मोबाइल पकड़े, तो दोस्तों इस तरह से आपने इसको लगा देना है, ठीक है। यहाँ से अच्छी तरीके से लॉक हो जाए और ये जो वायर है यहाँ से जुड़ जाए, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं। फिलहाल मैं इसको ऊपर नहीं टांगने वाला, यहाँ वायर दिखा पीछे। तो ये है इसकी सॉकेट, इसको लगा लेना है और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये काम करता है नहीं। बटन इसका दबाता हूँ और दबाने के बाद हमारा जो LED है वो तो चल चुका है। फिलहाल मैंने इसको मोबाइल से कनेक्ट करना है, वो देखूँगा मैं मोबाइल से कनेक्ट होता है नहीं। यदि ये होता है तो ये वीडियो आपको YouTube पे मिलेगा, ताकि जो मैकेनिक भाई है कम से कम 2000 रुपये उनके बच जाएं। तो अब ये इस पर हमने रिमोट दी, अब ये कह रहा है कि इस पर जो इस ऑडियो वीडियो नहीं लगा है, तो इसको हम ओके कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जाते हैं सेटिंग में, सेटिंग में जाएंगे और नीचे नीचे आपको मिलेगा ऑप्शन। सेटिंग में गए और नीचे नीचे हम चलते हैं, यहाँ पे ऑल सेटिंग्स और ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब ये सेटिंग खुल रही है, यहाँ पे देख सकते हैं अभी खुली नहीं है। तो सेटिंग खुल चुकी है, अब हम यहाँ पे नेटवर्क पे जाएंगे, जैसे ही पहले जा रहे थे वहाँ पर कुछ आ नहीं रहा था, तो नेटवर्क में जाएंगे और नेटवर्क में ओके करेंगे। और अब देखते हैं वाईफाई कनेक्शन पे ओके करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अब सर्चिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्चिंग, जहाँ पे पहले कुछ नहीं हो रहा था वहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट हो चुकी है। और मैं मोबाइल को अब इससे इसका हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ और देखता हूँ फिर आता है नहीं उसका नाम। यहाँ से हॉटस्पॉट ऑन किया, नेट को ऑन किया,
तो वहाँ पे देखते हैं, अब सर्चिंग में आता है नहीं, अभी ये सर्च कर रहा है। चलिए अभी यहाँ पे लिखा आएगा कनेक्ट हो गया नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब ये Redmi 5 आ चुका है, क्योंकि ये फ़ोन Redmi 5 है। और अब मैं आपको इसको स्क्रीन से जोड़ के दिखाता हूँ सीधा ही। अब वहाँ तो आप देख सकते हैं वो तो काम कर गया, अब स्क्रीन से जोड़ते हैं। ऊपर से यहाँ पे हम जाएंगे कास्ट पे, और यहाँ पे पहले नाम नहीं आ रहा था इस LED का, वो देख लेते हैं। अब सर्चिंग स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं LED का नाम आता है नहीं। तो फिलहाल तो इसमें कोई नाम वगैरह नहीं आया है। यदि ये यहाँ पे नाम आ जाता है सर्चिंग में तो ये काम करेगा। अभी शायद हमें इसको एक बार बैक करना पड़ेगा, हम इसको बैक कर लेते हैं यहाँ से। ओके, अब हम बैक आ चुके हैं। अब देखते हैं वहाँ पे नाम वगैरह आता है नहीं। यहाँ पे हम इसको नो कर देते हैं। तो फिलहाल वहाँ पे कोई नाम वगैरह नहीं आ रहा, शायद ऊपर से इसमें एक बार इसका हॉटस्पॉट नेट वगैरह ऑफ कर देते हैं, ब्लूटूथ वगैरह, और दोबारा से कास्ट करके देखते हैं। अब ये सर्चिंग करता है नहीं, कैंसिल करते हैं, कास्टिंग करते हैं, ओके। अब देखते हैं, तो गाइज आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे लिखा आ चुका है LG जो ये मॉडल है मेरे पास। अब इसको हम ओके करेंगे, और यहाँ पर ओके करने के बाद वहाँ पे देखें ऑप्शन आ चुका है कि आपसे एक मोबाइल जुड़ना चाह रहा है। तो यहाँ पर हम यस करेंगे, जैसे ही यस करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, उम्मीद है ये चल जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारा जो LED है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, ये मोबाइल से भी कनेक्ट होना हो चुका है स्टार्ट, और जो वाईफाई था उससे भी जुड़ना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है, वहाँ पे आपको सब दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। तो गाइज इसी के साथ दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।